हमारे गांव से शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, बस हमारे गांव से शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, बस हमारे गांव से शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, बस हमारे गांव से शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। क्या नाम है आपका? राजकुमार है जी, मेरा नाम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कुसर के हैं जी। क्या प्रॉब्लम आ रही है बस को लेकर? प्रॉब्लम जी भीड़ से आ रही है बस, 2018 में लगी थी लास्ट बार बस हमारे, और वो भी लड़ पिट के लगवाई थी, हमारे सीनियर स्टूडेंट थे उन्होंने। उसके बाद अभी तक भीड़ को देखते हुए कोई बस नहीं लगवाई जा रही, और दिनों दिन स्टूडेंट की तादाद बढ़ती जा रही है, और हमें परेशानी आ रही भीड़ के कारण। हमारे स्टूडेंट कई रह भी जाते हैं और कई पहुँच पाते हैं, पहुँच पाते तो भी बड़ी मुश्किलों से पहुँच पाते हैं। हमारी ये डिमांड है कि हमारे लिए या तो फिर नई बस की सुविधा करवाई जाए, या स्टूडेंट के लिए कोई नई बस लगवाई जाए, और या फिर जो हमारी बस है कुसर से चलने वाली वो कुसर से ही चलाई जाए, ना कि वो पीछे से ढूडियाँ वाली से बस को भर के लाई जा रही है जी। इसलिए कुसर से नहीं चलती, नाइट कुसर की है जी, उसकी रोकना कुसर से और कुसर से लेके आना उसको, वो कुसर से नहीं चल रही है जी, वो ढूडियाँ वाली से लेके आ रहे हैं उसको, और ढूडियाँ वाली और खाजेखेड़े के बच्चे उसमें आ जाते हैं। हमारे गाँव की लड़कियाँ और आगे गाँव की लड़कियाँ भी परेशान हो रही हैं, और भीड़ का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया जा रहा है जी। अच्छा, कितने स्टूडेंट हैं सर जो रोज़ाना अप डाउन करते होंगे बसों से? हमारे गांव से 50-60 हैं जी, वो अलग अलग भीड़ को देखते हुए जी, कई तो मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं, मोटरसाइकिल आपको पता है भी दुर्घटना का कोई भी कुछ भी हो सकता है, और बस में हो तो अच्छा है जी, चलवाई जाए तो। बस आप, क्या नाम है आपका? राहुल कुमार जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? हम ये अपील करते हैं जी, हरियाणा रोडवेज से भी हमारी बस लगवाई जाए, जो कि हमारे हमें हर एक गाँव को दी गई है, वो बस हमारे गांव से ही चलवाई जाए, ना कि किसी और गांव से। और अब क्योंकि ऊपर जो अधिकारी हैं वो गुडुडियाँ वाली से हैं, तो वो इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं जी, और ये शोषण हो रहा है जी स्टूडेंट्स के साथ। अब इस दौरान जब गुडुडियाँ वाली से लद कर आती है बस, तो ना तो हमारे पहुँच पा रहे हैं, ना तो हमारे सभी स्टूडेंट सिर से पहुँच पा रहे हैं जी, और साथ में उनके साथ दुर्घटना होने का भी चांस है, क्योंकि जब लटक के आएंगे उनको आना तो पड़ेगा जी, कैसे ना कैसे करके अटेंडेंस चाहिए और चाहिए पढ़ना है इसलिए, और उस दौरान अगर कोई दुर्घटना हो जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन लेगा सी, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और यही अगर यही कह रहे हैं भी भाईचारे के साथ हम रुडियाँ वाली से चला रहे हैं, तो जी भाईचारा तो इसमें भी है भी, जब हमारे गांव वाले आएँ तो एक दिन वो खड़े हो जाएँ, एक दिन हम खड़े हो जाएँ, जब हमारे गांव से कोई बूढ़ा चढ़े, कोई लड़कियां चढ़े, तो उनको सीट दी जाए, ना तो ये हो रहा है। ऊपर से सर कुछ भी हो सकता है भीड़ में, और नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया जाता है जी, और हम यही अपील करते हैं जी हरियाणा रोडवेज के से जी भी हमारी बस लगवाई जाए जी दोबारा, या तो नई बस लगवाई जाए, या फिर इसी को हमारे जो हमारे गाँव को दी गई है वो हमारे गाँव से ही चलवाई जाएगी। क्या नाम है आपका? आशा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लटक कर आना पड़ता होगा आपको? हाँ, लटक के बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और भीड़ के अंदर नजायज फ़ायदा भी उठाया जाता है, बहुत परेशानी सी होती है हमें। अच्छा, कितने समय से आपको ये परेशानी आ रही है? कौन से कॉलेज के आप स्टूडेंट हैं? ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ग्रेड है, और बहुत साल 2 साल हो गए परेशानी आते हुए हमें। हर बार ये दिक्कत आती है? हाँ, हर बार ये दिक्कत आती है, और ये बस सर कुसर की है, तो कुसर की से चलनी चाहिए, ढूडियाँ से क्यों चल रही है फिर? आप पहले कभी आपने प्रशासन से बात करी, रोडवेज प्रशासन से? नो, पहली बार कर रहे हैं। पहली बार कर रहे हैं, पता नहीं। क्या नाम है आपका? पहले कविता। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? यही बस में लटक के जाना पड़ता है, और भीड़ बहुत होती है सर, और कई बार तो बच्चे गिर भी जाते हैं सर, और उन्हें चोट भी लग सकती है, इसीलिए बस इशू तो बहुत है, और नई बस लगाने का ही कह रहे हैं हम, वो कुसर से चलनी चाहिए। पहले ये कुसर की बस है सर, कुसर से ही आती थी पहले, भीड़ नहीं होती थी इसमें, पर अब भीड़ बहुत हो जाती है, ये मत्तू वाला से चलती है या डूडी वाली चलती है ना, इसलिए भीड़ बहुत हो जाती है। प्रॉपर बस चलनी चाहिए आपके गांव में? यस सर।